जय महेश, जय पशुपतिनाथ। माहेश्वरी विचार मंच के चेंज विद द चेंज की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज योग दिवस है और इस योग दिवस के अवसर पे आज ये प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं आप लोगों के समक्ष ये प्रस्तुत कर सकूं कि योग क्या है। सही मायने में पूछा जाए तो योग करीब ये शैव पद्धति की दी हुई चीज है और 5000 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजल ने जो सिद्धांत बनाए वो आज भी वैसे के वैसे ही लागू हो रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रश्न यह है कि उसमें ऐसी क्या विषय था, ऐसी क्या चीजें थी। इस विषय में आपसे मैं ये कहूंगा कि अष्टांग योग, जिसको कि हम लोगों ने कई दफे अलग अलग प्रोग्राम में सुने हैं, अष्टांग योग के विषय में हम जानते हैं और ये अष्टांग योग 8 पार्ट में है, जिसके अंदर पहला जो 4 पार्ट है उसमें यम है, नियम है, आहार है और प्राणायाम है। ये चारों प्रक्रिया जो है ये मोर और लेस आजकल एक्सरसाइज से संबंधित है। यम और नियम तो आहार के विषय हो गए और आसन और प्राणायाम जो है आपके एक्सरसाइज के विषय हो गए। और इन 4 के अलावा, जिसको आजकल हम लोग योगा भी कहते हैं, इस 4 के अतिरिक्त जो है उसमें आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार से लेकर समाधि तक का जो आसन है ये आप एक कठिन, बहुत कठिन साधना है और ये साधना सिर्फ श्वास की प्रक्रिया से ही चलती है। अब इस श्वास प्रक्रिया के अंदर में देखिए, आज विपस्सना के केंद्र है जहां पे जगह जगह पे इस तरीके की श्वास की प्रक्रिया सिखलाई जाती है। आचार्य रविशंकर है, उन्होंने किया हुआ है, ओशो ने किया हुआ है, स्वामी रामदेव जी कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, तो वो हमें श्वास की प्रक्रिया सिखाते हैं। हालांकि श्वास की प्रक्रिया का जो रोल है वो हमारे प्राणायाम में भी है, लेकिन प्रत्याहार से लेकर समाधि तक की जो स्थिति है उसमें सिर्फ और सिर्फ श्वास की प्रक्रिया करूँ और कितना हम कंसेंट्रेट होकर के, और हमारा जो दिमाग है वो टोटल, जिसको हम कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा के मिलन को समाधि तक पहुंचने के लिए, आप ऐसा समझिए कि हम हमारा मिलन जो है वो आत्मा से परमात्मा तक पहुंच गया, वो एक स्थिति है। उसकी आज हम चर्चा नहीं करेंगे। आज योगा दिवस है तो योगा दिवस के अवसर पे हम चर्चा करना चाहते हैं जीवन की और सिद्धांत की, जीवन की और स्वास्थ्य की। जीवन हमेशा प्रतिक्षण परिवर्तित होते रहता है, हर क्षण मतलब कुछ ना कुछ चीजें नई आती रहती है। और अभी तो शताब्दी के बाद में एक इतना बड़ा परिवर्तन जो कोरोना में देख रहे हैं, ये तो शताब्दियों का परिवर्तन है। और इस परिवर्तन ने हमें, हमारे जीवन को एक नया ही मोड़ दे दिया। जीवन जीने की कला में भी हमें परिवर्तन करना पड़ रहा है और स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य के विषय में भी हमें अनेक तरीके से सोचना पड़ रहा है। तो चलते हम पहले हम जीवन की बात करते हैं। आज से 40-50 वर्ष पहले जीवन जीने के तरीके डिफर हुआ करते थे। आम घरों में हम लोगों ने देखे हैं, हालांकि 20-25 वर्षों से हमारे स्वामी रामदेव जी ने काफी योगा के कार्यक्रम किए जिससे लोगों के स्वास्थ्य भी ठीक हुए और लोगों ने इसका बहुत केयर भी किया। इसके बावजूद भी हम धीरे धीरे हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ते चले गए। हमारा आहार विहार, हमारा आचरण, ये सारी चीजों में एक बहुत बड़ा रेडिकल परिवर्तन आया। कोरोना ने हमें ये बताया कि ये जो परिवर्तन आया ये कोई बहुत अच्छा सिम्टम नहीं था। उदाहरण के तौर पे जब हम आहार की बात करते हैं तो आप देखिए कि पहले जो हमारा खाना था वो काफी शुद्ध हुआ करता था। पिछले 20-25 वर्षों में जंक फूड कितना आ गया, आजकल हर जगह जहां जाओ वहां सिर्फ जंक फूड के अलावा कुछ नहीं है। इसी कोरोना के पीरियड में जब हम लोगों ने घर में बैठ करके खाना खाया तो हमें लगता है कि उससे कहीं कहीं बेहतर हमें घर में खाना मिल रहा है। हर चीज हमारे पास में घर घर में उपलब्ध हो रही है। तो ये आहार में हमारा बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया।
बिहार के अंदर में इतना ये परिवर्तन हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं। जैसे मैंने पिछली सीरीज में भी आप लोगों को कहा कि अगर मंदिर भी जा रहे थे तो उसकी एक अलग प्रक्रिया थी, और अब धीरे धीरे करके वो एक अलग प्रक्रिया और प्रवृत्ति में परिवर्तित हुई है। तो हमारे बिहार के अंदर में भी परिवर्तन आया और हमारे आचरण में भी परिवर्तन आया। हालांकि आचरण में परिवर्तन कम आया, क्योंकि पहले जो हमारी सोच थी उसमें परिवर्तन तो आया, लेकिन सोच एक ऐसी चीज है जिसमें यह कहना मुश्किल होता है कि कितना परिवर्तन किसके अंदर में आ रहा है, लेकिन निश्चित रूप से आप परिवर्तन को मान के चलिए। अब हम योग की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हम लोग बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं इन दिनों। पहले हम बाहर से आते थे तो हाथ धोना तो बहुत दूर की बात है, सीधे गए और खाना खाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहता सारे लोग करते थे, बहुत सारे लोग ऐसा करते थे, घर में जूते लेके वैसे ही चले गए, किसी भी चीज का विचार नहीं था। उन्हीं जूतों के साथ बेडरूम में जा रहे हैं, उन्हीं जूतों के साथ किचन में भी जा रहे हैं, उन्हीं जूतों के साथ आप अपने मंदिर तक में भी चले जा रहे हैं, किसी को कोई विचार नहीं था। अब लेकिन फर्क आ गया, अब लोगों को किसी भी चीज को हाथ अपने हैंडल तक को हाथ लगाने से अगर डर लग रहा है, तो फिर धीरे धीरे आज विश्व इस बात को मान चुका है कि जो हमारी जो भारतीय पद्धति और जीवन जीने की पद्धति थी वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी पद्धति थी और हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। और ये परिवर्तन हम कैसे आत्मसात करेंगे ये हमारे पे निर्भर है। छोटी छोटी चीजें आप अपने जीवन में, और काफी चीजें अभी सोशल मीडिया में आ चुकी है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता भी नहीं है। अब मैं आता हूं स्वास्थ्य के विषय में। स्वास्थ्य में यह परिवर्तन आ गया कि पहले हमें इतनी ज्यादा दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। घर में कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो जाती थी तो हमारी घर की महिलाएं जो है हमें काढ़ा दे दिया करती थी या कोई चूर्ण दे दिया करती थी। इस तरीके से हमारे स्वास्थ्य में हमें हर तीसरे मिनट में डॉक्टर के पास नहीं भागना पड़ता था। अब पिछले वर्षों में क्या हुआ है कि जब हमारा आहार शुद्ध नहीं रहा तो हमारा पेट शुद्ध नहीं रहा, हमारा हाजमा ही बिगड़ने लग गया और किस्म किस्म की बीमारियां हमको पकड़ती चली गई। तो इस कोरोना के समय में यह भी हुआ कि सब आप अपने आहार को ठीक रखिए, तो ये भी हमारे को अपने को परिवर्तन स्वास्थ्य में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ गई। और देखिए एक सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ, इस कोरोना ने सबसे ज्यादा डॉक्टर्स को हीरो बना दिया। कल तक हम हॉस्पिटल में जाते थे, बिल बनता था, फीस भी देते थे और हमें लगता था कि पैसे दिए और हमने इलाज करवाया और डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी की। और कभी कभार कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो गई तो आप ये देखिए कि लोगों ने डॉक्टर के ऊपर हाथ भी छोड़ दिया, कई लोगों ने केस भी कर दिए। अब लेकिन स्थितियां परिवर्तित हो गई है, मोर और लेस आज के समय में डॉक्टर एक प्रेस्टीजियस काम हो गया। अभी कोरोना वायरस में भी हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर्स को कितना सम्मान मिल रहा है, पुलिस वालों को सम्मान मिल रहा है, लेकिन अभी हम स्वास्थ्य संबंधी बातें कर रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन आया ये एक बड़े परिवर्तन का द्योतक है और इस परिवर्तन को भी हमें आत्मसात करना चाहिए। आने वाले समय में हमें भी डॉक्टर्स की इज्जत और प्रतिष्ठा को हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके के छोटे मोटी जो परिवर्तन है इनको अगर हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आने वाले समय में हमारा जीवन ज्यादा सुंदर होगा। देखिए योग का विषय बहुत बड़ा है और 10 मिनटों में योग के विषय में सब कुछ कहा नहीं जा सकता। मूल भावना यह है कि हम अपने आचार विहार व्यवहार इसको शुद्ध रख सके। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रतिदिन हम समाधि तक ना पहुंचे, हम प्रत्याहार पे भी ना पहुंच पाए, लेकिन हम श्वास प्रक्रिया से पीछे न रहें। चाहे हम 10 मिनट करें, 1 घंटे करें, आधा घंटा करें, आंखें बंद करके और अपनी सांसों को जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, चाहे वो विपस्सना के माध्यम से हम कर रहे होंगे या रविशंकर जी के माध्यम से कर रहे होंगे और अन्य अन्य लोगों के माध्यम से भी कर रहे हैं, ये प्रक्रिया आप जरूर घर में अपनाइए।
इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि जो हमारे दिमाग में जो स्ट्रेस होता है ना, इसमें कमी आती है। और जब स्ट्रेस कम होता है तो डिप्रेशन भी हमारे में कम आता है और हमारे जीवन ज्यादा सुरक्षित होता है। तो इस बातों का ध्यान रखिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और एक बात आपसे कहना चाहूंगा, इसके विषय में बहुत कुछ बोला जा सकता है योग के विषय में, लेकिन गीता प्रेस ने पतंजलि योग प्रदीप और योग वशिष्ठ और इसके अतिरिक्त एक हमारा जो कल्याण का अंक आता है योगांक, इन तीन पुस्तकों को आप करीब 500-600 रुपए की होगी, इनको आप अवश्य खरीदिए और अपने घर पे रखिए। बहुत सरल हिंदी के अंदर में बड़ी सीधी सी भाषा में लिखी हुई भाषा है, बहुत फायदा होगा आपको इसके पढ़ने से। और मान लीजिए आपके पास पढ़ने की फुर्सत नहीं है, बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी लाइब्रेरी के रैक में भी लगा रहेगा, तो इसकी जो खुशबू है उस खुशबू से भी आपके घर में शुद्धता आएगी, आचार विहार अच्छा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम फिर अगले हफ्ते एक नए परिवर्तन की बात के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। योग दिवस का पुनः एक बार धन्यवाद।